दोस्तों नमस्कार, आपका YouTube विमला देवी चैनल में एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं स्वप्न फल विचार, यानी हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे कुछ सपनों का, 15 सपनों का मीनिंग जो आपको बनाने वाले हैं। यदि आपने देखे हैं तो आप शीघ्र ही होने वाले हैं धनवान। दोस्तों, भारतीय दर्शन शास्त्र के अनुसार मनुष्य के भूत, वर्तमान और भविष्य का सूक्ष्म आकार हर समय वायुमंडल में विद्यमान होता है। यही जब स्वप्न का कारण और स्वप्न का माध्यम बनता है। ऐसे ही कुछ सपनों का मीनिंग हम आपके लिए लेकर आए हैं, आपको बताना चाहते हैं कुछ सपनों का मीनिंग। यदि आपने ऐसे स्वप्न देखे हैं तो उनका क्या अर्थ होता है, मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। चलिए जानते हैं पहला स्वप्न। जो पुरुष स्वप्न में धर्म शास्त्रों का पाठ और गान करता है तो उसे बहुत धन की प्राप्ति होने के संकेत है। जो व्यक्ति स्वप्न में कीचड़ में फंस जाता है, या ये लगे कि आप कीचड़ में जा रहे हैं, जहाँ आपने पैर रखा है और आप कीचड़ में जा रहे हैं, तो उसका मतलब है उसे अनेक रोग घेर लेते हैं। नंबर 3, जो पुरुष स्वप्न में अपने हाथ, दोनों हाथों को या एक हाथों को या उंगली को कटा हुआ देखता है तो उसको परेशानी का सामना करना पड़ता है। नंबर 4, यदि कोई व्यक्ति या औरत स्वप्न में मांस पकाकर खाता है या खाती है तो उसके धन की हानि होने के संकेत है। नंबर 6, यदि कोई पुरुष या स्त्री सपने में देखता है कि कुम्हार को घड़ा बनाते हुए देखता है तो उसके कलेशों के नाश होने के संकेत है, यानी कि आपके दुख दूर होने के संकेत है। नंबर 7, यदि कोई पुरुष स्वप्न में चौपड़ खेलता हुआ स्त्री को देखता है या चौपड़ खेलती हुई स्त्री को देखता है तो उसको राज्य सम्मान की प्राप्ति होती है और उसकी धन संपत्ति बढ़ती है। नंबर 8, यदि कोई स्त्री स्वप्न में यह देखती है कि वह पलंग पर बिछोना बिछा रही है तो यह समझना चाहिए कि उसका विवाह शीघ्र होने के संकेत है। नंबर 9, स्वप्न में जिसके हाथ में सर्प काट लेता है या सांप काट लेता है तो उसकी शीघ्र ही बहुत धन की प्राप्ति होने के संकेत है। नंबर 10, स्वप्न में जो पुरुष मनुष्य का मस्तक काटे या अपना कटा हुआ मस्तक देखे वह राज्य पद प्राप्त करता है। नंबर 11, जो पुरुष स्वप्न में अपनी जिह्वा या जीभ को छेदी हुई देखता है तो निश्चित रूप से राजा के समान हो जाता है। यदि वह गरीब भी है तो बहुत जल्द ही धनी बनने के संकेत है। नंबर 12, जो पुरुष स्वप्न में अपने आप को हाथी, घोड़ा, शेर अथवा बैल से जुते हुए रथ पर बैठा हुआ देखता है और वह किसी गांव या फिर राज्य को देखता है तो वह ऊंचे पद प्राप्ति के संकेत है। नंबर 13, जो पुरुष को स्वप्न में गौर वर्ण वाली, यानी कि गोरे रंग वाली, रंग बिरंगे वस्त्रों से सुशोभित कोई स्त्री देखता है वह शीघ्र ही लक्ष्मीवान होने के संकेत है, अर्थात उसके घर में शीघ्र ही लक्ष्मी आगमन के संकेत है। नंबर 14, जो पुरुष स्वप्न में इंद्र का धनुष, सूर्य का रथ और शिव के मंदिर को देखता है वह निश्चय ही लक्ष्मीवान हो जाता है। नंबर 15, जो पुरुष स्वप्न में शोक संतप्त होकर परिताप करता है, यानी कि दुख करता हुआ देखता है या फिर रोता हुआ अपने आप को देखता है या अपने परिवारजनों को, किसी को रोता हुआ देखता है तो उसका अर्थ है जीवन में संपूर्ण सुख प्राप्त होने के संकेत है, यानी कि उसके सुख सुविधाएँ बढ़ने के संकेत है, उसे सुख मिलने के संकेत है। दोस्तों, मैंने ये 15 स्वप्न आपके लिए, इनका मीनिंग मैं लेकर आई हूँ। यदि आपने ऐसे स्वप्न देखे हैं तो उनका आप लाभ उठा सकते हैं। यदि मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद दोस्तों।